सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में भागीदारी आंदोलन मंच के मंडल अध्यक्ष अवनीश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। इस अवसर पर अशोक कुमार कुशवाहा, विनोद कुमार देवेंद्र, अमरजीत कुमार प्रजापति, प्रियांशु प्रकाश, विष्णु कुशवाहा सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भागीदारी आंदोलन मंच के मंडल अध्यक्ष अविनाश कुमार प्रजापति ने कहा, विधानसभा के चुनाव में अधिकार नहीं है, जो सरकार बिल के खिलाफ उनको मालूम नहीं है। मैं मंडल अध्यक्ष हूं भागीदारी आंदोलन मंच का, अवनीश कुमार प्रजापति। भागीदारी आंदोलन मंच उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जनपद और जिला मुख्यालयों पर आज विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर मंडल के तत्वाधान में आज यह कार्यक्रम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों की मांगें हैं कि पिछड़ी जातियों के जो 27% आरक्षण है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसको भी 3 भागों में दलित, अति दलित, महादलित किया जाए, और इस हिसाब से सरकार जो है इसको वर्गीकृत करे और आरक्षण का लाभ जो है हमारे समाज के लोगों को मिले, पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को मिले, और विधवा, विकलांग और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उस हिसाब से जो है राशन कार्ड, शौचालय और जो है ज़रूरतमंद लोगों को जो है पेंशन मुहैया कराया जाए। इस मांगों को लेकर के आज हम लोग माननीय राज्यपाल को नाम पर जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। आज के इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के लोगों का भी समर्थन हम लोगों को प्राप्त हुआ है।